शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, पहली तारीख को बहुत दिन है। मुझे पापा ने बुलाया है। पापा ने बुलाया है? न जाने क्या जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बेटे पर, सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। दादी माँ, बाहर के लोग मुझे बीबी जी कह के बुलाते हैं। निकल जाओ यहाँ से। बेटा, कल जो तूने मिस्टर खरे के साथ हरकत की, अच्छा नहीं किया। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया है, इस आदमी से मिल लेना, लेकिन उसे ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। नाश्ता ठंडा हो रहा है। दरअसल ये आदमी रुक्मणी का मसेरा भाई है। अच्छा बेटे, उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मां, कभी कभी तुम सिद्धार्थ, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, पर मेरा पोता कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, पता है, तुम्हारा कोई नहीं लगता। पिछले 22 साल से तुम्हारी लगातार रट सुनते सुनते मेरे कान पक गए। उसे पैदा करके मैंने तुम्हारे वंश को कलंकित किया, तुम्हारी मर्यादा को मिट्टी मिला दिया। आज सुन लो माँ, अगर उस परिवार को अधिकार नहीं मिला तो उसकी वजह तुम हो। अगर मैंने तुलसी को अपनाया है तो उसकी वजह तुम हो। न तुम्हारी आंखों मैंने पोते की चाह देखी होती, न जिंदगी भर इस घुटन का सामना करना पड़ता। हाँ हाँ पता है, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जबकि माँ बेटे दोनों हमारी जायदाद तक में हिस्सा लेने चले आएंगे। माँ, तुलसी ने कभी रुक्मणी के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की। उसने तो हमें अपनी कोख का दान दिया, इस वंश को चलाने के लिए पहला चिराग दिया, पहला धर्माधिकारी दिया। ये तो भगवान की कृपा हुई कि रुक्मणी ने गौतम को जन्म दिया। गौतम और सिद्धार्थ मेरे लिए हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे। इन लोगों को ना मैंने पहले कभी अपनाया था, ना मैं अब अपनाऊंगी। और याद रखना, इस घर का और हमारे वंश का हकदार सिर्फ गौतम है, मेरी बहू और तुम्हारी धर्म पत्नी रुक्मिणी की कोख से पैदा हुआ गौतम। गौतम कृष्णकांत धर्माधिकारी। Thank you.
गौतम, अगर तुम धर्माधिकारी के बेटे नहीं होते तो अभी तक मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन ले चुका होता। I'm sorry, sir. It's no use being just sorry. अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन इस तरह थोड़ी निकालते। कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो। अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है। और बेटे, एक कमिश्नर की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर तुम अपने बाप की इज्जत को बढ़ा नहीं सकते तो उसे कम भी ना करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस शहर में तुम्हारे बाप की कितनी इज्जत है। यू मे गो नाउ। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से आप मेरे पापा के बारे में याद ना दिलाएं। हाँ, तुम कितना कह रही थी इस बार बिजली का बिल कितना है? 180 रुपए। 180 रुपया ये, और ये 400 रुपए तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, वो तू कह रही थी ना कि कोई पंजाबी सूट चाहिए तुझे। रख ले, रख ले। अब रहने भी दीजिए, शादी के बाद सलवार कुर्ता पहनेगी या साड़ी? अरे तुलसी, मेरे दो बेटे हैं लेकिन बेटी तो एक ही है, इसलिए जब तक ये अपने बाप के घर में है ये वो पहनेगी जो इसका दिल करेगा। हाँ, जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो वो पहनेगी जो इसके मियाँ का दिल करेगा। ठीक है, मगर अब आप पीना बंद करिए। ओफो तुलसी, कमाल है, आज अपनी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में करके आया हूँ तो क्या मैं 2 पैग भी ना पीऊँ? हाँ, 2 पैग? पापा, आप ऑलरेडी 4 पैग पी चुके हैं। नहीं नहीं, 2 पैग पिए हैं। 4 पैग? अरे मैंने 2 पैग पिए हैं। 4 पैग? अच्छा बाबा, अच्छा अब मैं ये इतना खत्म कर लूँ तो फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ तुलसी। अरे आप जरा रुकिए, मैं सिद्धार्थ को भेजती हूँ, वो आपको छोड़ाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या जरूरत है, मैं चला जाऊंगा। सिद्धार्थ, उन्हें उस घर छोड़ा जा। सिद्धार्थ, जाकर बोल दो उन्हें अगर नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाने के लिए अपने लाडले गौतम को साथ ले आया करें। मैं नहीं जाता वहां। लाडले तो उनकी तुम भी हो, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके प्यार को तुमने कभी समझा नहीं। ठीक है, मैं ही टैक्सी से उन्हें छोड़ाती हूं। मां, तू चुप क्यों है? हां, मैं जानता हूं तुम इसे नाराज है बेटा, लेकिन तू मेरी जिंदगी का चांद है। मैं जानता हूं मैं तेरे लिए एक अच्छा बाप साबित नहीं हो सका गौतम बेटा, लेकिन मैं तेरी माँ के लिए एक अच्छा पति जरूर साबित हुआ हूं। मेरा यकीन करो, यकीन करो गौतम बेटा। मैं गौतम नहीं हूं। लगता है तेरे पापा आ गए हैं। आया नहीं, लाया गया है। शराब के नशे में धुत करके भेजा है उसे। हे भगवान, ये माँ बेटे ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे खानदान से। Oh, yeah.
कहा ना मैं ठीक हूँ, थोड़े से पैर भी चल गया था वहाँ पर। सिद्धार्थ बेटा, तू नहीं जानता मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। अब तू घर जा, माँ से कहना कि मैं ठीक ठाक घर पहुँच गया। माँ को बहुत फिक्र होती है मेरी। मैं गौतम बहुत फिक्र कर दिया।